हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ के हेलो बायोलॉजी में। तो आज एक नए दिन के साथ हम आपके लिए फिर वीडियो लेके आए हैं की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स पर। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप। कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, बहुत ही ज़रूरी टर्म्स हैं ये जेनेटिक्स में जो हम यूज़ करते हैं। और अक्सर ही जब हम चाहे जेनेटिक डिजीज़ की बात करते हैं या हम मेंडल लॉ पढ़ेंगे तो हम उसमें भी इन टर्म्स को बार बार डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली ये क्या है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले बस एक काम कीजिए कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ज्ञान बांटने से भरता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक उठाते हैं वो है फिनोटाइप। तो सिंपल दो लाइन लिखी हुई है, बल्कि डेढ़ लाइन ही लिखी हुई है कि फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप रेफर्स टू द अपेयरेंस और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ कि फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप रेफर्स टू अपेयरेंस और फिजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की जगह टर्म यूज कर सकते हैं फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल कैरेक्टर क्या है। मैडम आपने तो बस एक सिंपल लाइन में डिस्क्राइब कर दिया कि ये अपेयरेंस है और फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिजिकल कैरेक्टर है, पर ये फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं? तो बच्चों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस समझो कि फिजिकल कैरेक्टर से यहाँ पर ये मतलब है, जैसे कि हमने बात की थी कि जैसे कि पी प्लांट में हमने बात की थी, ठीक है, पी प्लांट, ठीक है, तो जो मटर है, ठीक है, तो जो मटर का दाना है जिसे हम कहते हैं पी शीट, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मटर का दाना होता है वो एक तो गोल होता है, ठीक है, एक वो रिंकल्ड होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ये गोल यानी कि राउंडनेस और रिंकल्ड, ये क्या है, ये फिजिकल कैरेक्टर है कि मटर का दाना दिखने में मुझे गोल लग रहा है, मटर का दाना दिखने में मुझे रिंकल्ड लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो पी शीड है वो या तो येलो कलर का होता है या ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये फिजिकल कैरेक्टर्स हैं कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम अपनी आंखों से इन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं फिजिकल कैरेक्टर की, बात करो आई का मैं कलर ले लूं, आई कलर हो गया आपका ब्लू आई कलर होता है, हालांकि बहुत रेयर है, ब्लैक, ब्राउन, ये क्या है, ये फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो हमें दिखाई देते, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या है, वो फिजिकल कैरेक्टर्स जो हमें दिखाई देते हैं किसी भी एक व्यक्ति विशेष में, हम उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब समझ में आया आपके लिए, ये तीन चार मैंने एग्जांपल्स जो दिए अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं जीनोटाइप की तरफ। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या लिखी है, द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। मैम जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि ये जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर थे ये फिजिकली दिखाई देते हैं, पर ये जो जीनोटाइप है या जेनेटिक कंपोजिशन है ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले यहाँ पर क्या बात किया था कि राउंड और रिंकल्ड, येलो ग्रीन, ठीक है, ये शीट कलर थे, ठीक है। मैं यहाँ पे शीट कलर को ले लेती हूँ, शीट कलर कौन सा था, येलो और ग्रीन, ठीक है। हरी मटर तो हम सब खाते हैं कच्ची जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों ध्यान से देखो, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हमें फिजिकली दिखाई दे रहे हैं इनको
इनकोड करेगा, यानी कि ये जो कैरेक्टर जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहते हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन। एग्जैक्टली क्या कहते हैं उन्हें, जेनेटिक कॉम्पोजिशन। जैसे कि येलो है, तो येलो जो है इसको एनकोड करने वाला जो जीन है वो होगा कैपिटल वाई से। हम उसको डोनेट करते हैं, क्या करते हैं हम उसे कैपिटल वाई से डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन जीन, ग्रीन कलर है, उसको जो जीन एनकोड करता है वो है स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अगर किसी कोई मटर का दाना येलो कलर का है, ठीक है, मटर का दाना हम ये बना देते हैं येलो कलर का, दिखाई नहीं दे रहा है इस पे, तो ये जो येलो कलर का है तो हम बोलते हैं कि भाई इसका जो जीनोटाइप होगा ना वो होगा कैपिटल वाई, क्योंकि ये जो है ये डिप्लॉइड है, ठीक है। और जो ग्रीन मटर है उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये हो गया जीनोटाइप कि दो कैपिटल वाई मिलके बना रहे हैं येलो, येलो कलर दे रहे हैं मटर को, और दो स्मॉल वाई मिलके दे रहे हैं ग्रीन कलर मटर को, मटर के दाने को। तो ये था जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। और अगर आपको जीनोटाइप में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो मैं एक सिंपल आपको समझाऊँ कि जेनेटिक कंपोजिशन है कि ये जो हमारे जीन्स होते हैं ना, हमारे जो जीन्स हैं, तो हमें पता है कि जो हमारे जीन्स हैं उनके अल्टरनेटिव्स भी होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो जीन्स होते हैं, तो हम उनको कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि ये एक फादर से मिला, ये एक मदर से मिला, ये मिलके इसने बना दिया हमारा एक जेनेटिक कॉम्पोजिशन। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है, ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अगर हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो यहाँ एक प्रकार का गैमिट बनेगा, मतलब एक ही प्रकार के गैमिट बनेंगे क्योंकि दोनों जीन्स यहाँ पर सेम है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल वाई, सेम है यहाँ पर स्मॉल वाई, क्योंकि ये दोनों ही जीन जो मदर फादर से इन दोनों प्लांट्स को मिले थे वो सेम थे। पर अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया, तो जो गैमिट्स बनेंगे इनके एक तरीके के बनेंगे, ठीक है। इसमें कैपिटल जो गैमिट होगा उसमें यही वाला कैपिटल वाई जीन होगा और इस वाले, इसके गैमिट में से स्मॉल वाई जीन होगा। परंतु जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, ठीक है, जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास तो दो कॉपीज होंगी जीन की, वो कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है। और ये जो होगा ये इसका जीनोटाइप कहलाएगा इनके ऑफस्प्रिंग का, यानी कि जेनेटिक मेकअप। क्योंकि ये एक डोमिनेंट जीन है, ये एक रिसेसिव जीन है, तो जो कलर होगा शीट का वो होगा येलो, यानी कि फिनोटाइप हो गया येलो कलर और जीनोटाइप हो गया जेनेटिक कॉम्पोजिशन। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में आया हो और आप इजीली जेनेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।